बहुत अच्छा इंक्लूजन बेस मॉडल से, जो कि इसमें ऑटोमेटिक एसी मिल जाता है रियर डिफॉगर के साथ में। दो सेफ्टी फीचर इंक्रीज कर दिए गए हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल यानी ईएसपी इंक्रीज कर दिया है। गाड़ी है आपके सामने मारुति सुजुकी नेक्सा के थ्रू ऑफर होने वाली बलिनो। ये जो मॉडल आज हम वॉक अराउंड करने वाले हैं, ये है बलिनो का सिग्मा मॉडल जो कि इसका बेस मॉडल है। सो आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि इस मॉडल में के एक्सटीरियर इंटीरियर के लुक्स आपको कैसे मिल जाते हैं, क्या कुछ फीचर्स आपको इसमें ऑफर किए जाते हैं। सो वेलकम टू वाहन ड्राइव, मैं हूं आपका होस्ट दीपक चौहान। 2022 में ये वाला फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ था एंड 23 के फेब में जब इसके प्राइस बढ़े हैं तो उसके बाद भी इसमें दो तीन कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं, वो सभी भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता लगे इसमें क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं, साथ ही साथ इसके प्राइजेस, इसके कलर ऑप्शंस एंड क्या कुछ फ्यूल ऑप्शंस मिलते हैं वो भी आपको वीडियो में पता लगेगा। बात करें इसके फ्रंट लुक्स की तो देखेंगे आपको प्लेन सा हुड मिल जाता है एंड साइड में हल्के से कर्व्स हैं जो कि इसको थोड़ा सा स्टाइल एलिमेंट्स दे देते हैं। सेटअप में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा क्रोम के साथ एंड कंप्लीट मैट ब्लैक फिनिश के साथ ये ग्रिल दी गई है। डेफिनेटली ये बेस मॉडल है, ऊपर के मॉडल में आपको इस ग्रिल में भी क्रोम एलिमेंट्स मिल जाएंगे। बात करें इसके हेडलाइट्स की तो कंप्लीट हेलोजन बेस्ड हेडलाइट्स आपको मिल जाती हैं, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे तो आपको इसमें सिंगल प्रोजेक्टर मिल जाता है लो बीम के लिए एंड हेलोजन मिल जाता है हाई बीम के लिए। हेलोजन में ही आपको यहाँ पे टर्न इंडिकेटर मिल जाता है एंड हेडलाइट के अंदर आपको क्रोम का ट्रीटमेंट भी किया गया है जिससे कि हेडलाइट थोड़ी और ज़्यादा स्टाइलिश लगती है। बात करें इसके फॉग लैंप्स की तो नीचे आपको फॉग लैंप्स की प्लेसमेंट मिल जाएगी बिकॉज ये बेस मॉडल है, इसमें आपको फॉग लैंप्स नहीं मिलती हैं। यहीं से आप देख सकते हैं इसके बम्पर के लोअर ग्रिल को, सो बिल्कुल प्लेन रखी गई है, वो भी अगेन आपको मैट ब्लैक फिनिश के साथ ही आती है। कंप्लीट बम्पर बॉडी कलर में है बिकॉज इसमें आपको कोई भी क्लैडिंग वगैरह ऑफर नहीं की जाती है। यहीं पर आपको इसका टोइंग हुक मिल जाता है, नंबर प्लेट की प्लेसमेंट ऑब्वियसली इसमें नंबर प्लेट लग चुकी है तो आप इसकी नंबर प्लेट की प्लेसमेंट देख पा रहे होंगे। बिल्कुल डिलीवरी रेडी है गाड़ी। बात करें इसके साइड लुक्स की तो कंप्लीट साइड लुक्स आप देख सकते हैं एक सिंगल फ्रेम में कैसी लगती है। इसमें एज एन एक्सेसरी दो चीज़ें इंस्टॉल की गई हैं, एक तो इसमें आपको ये सिल्वर कलर के व्हील कवर्स दिख रहे होंगे एंड क्रोम के डोर हैंडल्स दिख रहे होंगे। डेफिनेटली इसमें मैट ब्लैक कलर के ही डोर हैंडल्स आते हैं जैसा आपको इसका ORVM दिख रहा है एंड सिल्वर कलर के स्टील रिम्स मिलते हैं, बिल्कुल स्टॉक व्हील होते हैं। वो आपको फोटो में दिख जाएगा कैसा इसका कंप्लीट साइड लुक है, आपके स्क्रीन पे वो फोटो भी आ रही होगी। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ साइड लुक्स इन डिटेल। यहाँ पर आपको 185/65 R15 का सिल्वर कलर का स्टील रिम मिल जाता है एंड यहीं पे फेंडर पे आपको इसका हेलोजन बेस्ड इंडिकेटर मिल जाता है। ORVMs मैट ब्लैक फिनिश के साथ आते हैं, डोर हैंडल्स भी मैट ब्लैक फिनिश के साथ आते हैं। ये एज एन एक्सेसरी शोरूम से परचेज किया गया है। डोर लाइनिंग पे कोई क्रोम नहीं मिलता बिकॉज ऑब्वियसली ये बेस मॉडल है। ए पिलर, बी पिलर, सी पिलर सभी आपको बॉडी कलर के अंदर मिल जाते हैं। रूफ पे कोई भी रूफ रेल्स वगैरह नहीं मिलेंगी, छोटा सा आपको नॉर्मल स्टाइल एंटीना मिल जाता है एंड अगर इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो आपको 170 mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। फ्रंट व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं एंड रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो छोटा सा क्वार्टर ग्लास भी मिल जाता है जिससे आपके केबिन में लाइट वगैरह की एंट्री प्रॉपर होती है। बड़े बड़े ग्लासेस हैं तो आपको बिल्कुल भी क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं लगने वाला है। अब चलते हैं इसके रियर प्रोफाइल में एंड दिखाते हैं रियर में आपको इस मॉडल में क्या कुछ ऑफर करती है। अब आ गए हैं हम इसके रियर में। साइड एंड फ्रंट की ही तरह रियर से भी काफ़ी स्टाइलिश दिखती है। टॉप पे आपको यहाँ पे स्पॉइलर मिल जाता है, इसी में इंटीग्रेटेड है आपकी हाई माउंट स्टॉप लैम्प। साइड से देख लीजिए काफ़ी रूफ के साथ बिल्कुल प्रॉपरली इंटीग्रेट होता है स्पॉइलर एंड बेस मॉडल से ही आपको दिया गया है जो कि एक अच्छी चीज़ है। रियर ग्लास में आपको डीफॉगर भी मिल जाता है जो कि बेस मॉडल में एक इंक्लूजन, डेफिनेटली अगेन काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये कम्प्लीटली LED टेल लैम्प्स हैं एंड यहाँ पर आप देखेंगे आइस क्यूब डिज़ाइन में आपको टेल लैम्प्स मिल जाएंगे। यहाँ पे रिवर्स बैक लाइट एंड टर्न इंडिकेटर्स डेफिनेटली इसमें हेलोजन बेस्ड है। यहाँ पर आपको बलिनो की बैजिंग मिल जाएगी, सेंटर में सुजुकी का लोगो एंड रियर ग्लास पे आपको नेक्सा की बैजिंग भी मिल जाएगी। ये नहीं मानते भाई, ये वीडियो में बिल्कुल आ जाएंगे। पीछे आप देखेंगे तो आपको 4-point पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको बम्पर में रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं एंड यहाँ पर आपको नंबर प्लेट की प्लेसमेंट मिल जाती है। आगे की ही तरह पीछे भी आपको कोई भी स्किड प्लेट वगैरह कुछ ऑफर नहीं की जाती। कंप्लीट बॉडी कलर में आपको इसका रियर बम्पर भी मिलता है। अब यहाँ से आपको मैं गाड़ी की लेफ्ट हैंड साइड भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको एक फ्यूल लिड मिल जाता है जो कि अंदर से ओपन होगा एंड इसमें आपको 37 लीटर्स की पेट्रोल कैपेसिटी मिलती है। अगर आप CNG मॉडल लेते हैं तो आपको इसमें 55 लीटर वाटर कैपेसिटी वाला लगभग 11 किलो का जो सिलेंडर बोला जाता है वो वाला आपको CNG सिलेंडर भी मिल जाता है इसमें।
स्पेस की बात करें बलिनो के अंदर आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। उसके पीछे है उसकी डायमेंशंस। तो बात करें इसके लेंथ की, तो आपको इस गाड़ी की लंबाई जो कि आपको साइड से देख के अंदाज़ा लगेगा 3990 mm मिल जाती है। गाड़ी की चौड़ाई की बात करें तो 1745 mm यानी 1745 mm की आपको इसमें विड्थ मिल जाती है एंड 1500 mm की आपको इसमें हाइट मिल जाती है। 170 mm का आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा एंड व्हील बेस की बात करें यानी कि दोनों टायर के बीच का डिफरेंस तो वो आपको मिल जाता है 2520 mm। सो ये हैं इसकी डायमेंशन जिसकी वजह से इसके अंदर इतनी अच्छी स्पेस है एंड इतनी प्रैक्टिकलिटी आपको ये ऑफ़र कर पाती है। अब दिखाता हूँ आपको इसके बूट स्पेस में क्या कुछ ऑफ़र होता है। सो सबसे पहले बूट ओपन करने के लिए आपको यहीं पर रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, जिसे प्रेस करेंगे तो बूट ओपन हो जाएगा। कोई भी पार्शल ट्रे नहीं मिलती इस मॉडल में आपको एंड 318 liters का बूट स्पेस मिल जाता है। बूट में देखें कोई भी लैंप वगैरह नहीं मिलेगी, बट यहाँ पर आपको टूइंग हुक ज़रूर मिल जाता है एक साइड पे। बूट सफिशिएंट है इस सेगमेंट के लिए एंड यहीं से मैं आपको दिखा देता हूँ सीट्स भी। सो आपको कंप्लीट बेंच फोल्ड सीट मिल जाती है, जिसके बाद आप अपनी बूट स्पेस को इंक्रीज कर सकते हैं। कोई भी 60-40 स्प्लिट नहीं मिलता। हाँ, एक चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहीं पर आपको चाइल्ड सीट, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट के एंकरेजेस मिल जाते हैं। सो रियर सीट में आपके पास ये ऑप्शन है। अब चलते हैं इसके सेकेंड रो में एंड आपको दिखाता हूँ वहाँ पर क्या कुछ ऑफर करती है। सो सेकेंड रो ओपन करने से पहले मैं आपको इसकी कीज़ दिखा देता हूँ। इस मॉडल से ही आपको कंप्लीट सेंट्रल लॉकिंग मिल जाती है एंड मारुति का स्टैंडर्ड वाला रिमोट मिल जाता है, जो कि अक्रॉस ऑल द कार ज़्यादातर यही दिया जाता है। एक चीज़ उसमें कटौती ज़रूर की गई है कि आप इसमें ये देखेंगे कि आप लॉक अनलॉक करेंगे तो आपको वार्निंग लाइट जो बीप बजर मिलता था ना, वो इसमें से हटा दिया गया है। तो जो आप लॉक अनलॉक पर टुक 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 जो आती थी वो इसमें आपको नहीं सुनाई देगी। हाँ, लॉक अनलॉक ज़रूर होगा। सो आप डोर को ओपन कर लेते हैं। सो डोर की ओपनिंग डेफिनेटली काफ़ी वाइड है, आप देख पाएंगे इसमें। कुछ अच्छी चीज़ें मुझे डेफिनेटली यहाँ पे दिख रही हैं जो कि बेस मॉडल में इंक्लूजन काफ़ी अच्छे हैं। सबसे पहली चीज़ है कि आप यहाँ पे डोर पे देखेंगे तो ये कंप्लीट एरिया आपको फैब्रिक फिनिश के साथ मिल जाता है। सो इसका कंप्लीट इंटीरियर आपको दो कलर थीम्स में मिलेगा, बेसिकली ब्लैक एंड नेवी ब्लू या डार्क ब्लू। उसी का इंक्लूजन आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे आपको बेस मॉडल में ही सॉफ्ट टच दिया गया है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये कंप्लीट पैनल ये वाला सॉफ्ट टच है एंड नेवी ब्लू शेड के अंदर है। बाकी पूरा डोर मैट ब्लैक फिनिश के अंदर है। डोर ओपनिंग लिवर्स एंड लॉक लिवर भी आपको मैट ब्लैक में ही मिलते हैं। यहाँ पे 1 liter की वाटर बॉटल एंड कुछ सामान का स्टोरेज एंड स्पीकर ग्रिल आपको मिल जाती है। अब यहाँ से आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी रियर सीट स्पेस आपको कैसी मिल जाएगी। यहाँ पर आप अंडर थाई सपोर्ट की बात करें तो अंडर थाई सपोर्ट इसका ठीक ठाक है। रिक्लाइन एंगल भी ठीक ठाक है। मैं आपको बैठ के दिखा देता हूँ। ड्राइवर सीट मैंने अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट की गई है, की हुई है। 5'8" मेरी हाइट है। सो उसके अकॉर्डिंग शायद थोड़ी सी आगे होगी, लेकिन फिर भी आप मान लीजिए इतना पीछे भी हो जाती है तो आप स्पेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुझे प्रॉपर थाई सपोर्ट मिल रहा है एंड रिक्लाइन एंगल की भी बात करूं तो अच्छा खासा रिक्लाइन एंगल इसमें मुझे मिल जाता है। एंड अगर मैं बात करूं तो दो बड़े और एक बच्चा बड़े ही कंफर्टेबली इसमें बैठ जाएगा। अगर आप पतले पतले लोग हैं तो तीन लोग आप आराम से बैठ सकते हो इसके अंदर। सभी ग्रैब हैंडल्स आपको इसमें फोल्डेबल मिल जाएंगे एंड यहाँ पर आपको एक साइड पे कोट हैंगर पिन भी दिया गया है ड्राइवर वाली साइड पे। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऊपर के मॉडल में एसी वेंट्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको उसकी जगह पे फ़ोन वगैरह रखने की स्पेस दी गई है। नीचे आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाता है एंड इसके नीचे भी थोड़ा सा स्पेस है। इसके ऊपर भी देखेंगे तो हल्का फुल्का सा स्पेस है जहाँ आप कॉइन्स वगैरह अपने रख सकते हो, डेफिनेटली की वगैरह रख सकते हो। इसके अलावा डैशबोर्ड का कंप्लीट लुक आप यहाँ से देख लीजिए कि इसके अलावा फ्रंट में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे दो एंड रियर में देखेंगे आप तो आपको फिक्स हेडरेस्ट मिल जाएंगे। एक और चीज़ मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आपको सेंटर में ही एक लैंप मिलती है, पीछे या आगे आपको कोई लैंप नहीं मिलती है। अब चलते हैं इसके ड्राइवर सीट पर एंड ड्राइवर डोर ओपन करने के बाद आप कम्प्लीट ड्राइवर डोर देखेंगे तो कुछ आपको ऐसा इसको आपको कंप्लीट ड्राइवर डोर मिल जाएगा। यहाँ पे अगेन ये पूरा फैब्रिक फिनिश है, सॉफ्ट टच के साथ है इतना एरिया एंड ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये डेफिनेटली सेम कलर में है, नेवी ब्लू कलर में, बट ये हार्ड प्लास्टिक है। इसके अलावा पूरा डोर आपको मैट ब्लैक फिनिश के साथ ही मिल जाता है। यहाँ पर आपको 1 liter के बॉटल होल्डर मिल जाते हैं। यहाँ पे आप मैगजीन वगैरह, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी रख सकते हैं। इसके अलावा यहीं पर आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाएगी। एक चीज़ जो मेरे हिसाब से उसमें आपको देनी चाहिए थी कि यहाँ पर ना आपको ये ORVM आप जो देख रहे हो आपको ये ना हाथ से ही एडजस्ट करने पड़ते हैं ऐसे करके। सो इसकी जगह अगर ये यहाँ पर अंदर एक स्टिक भी दे दी होती तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती छोटी हाइट के लोगों के लिए। मेरी हाइट 5'8" है और मुझे भी वो वाला शीशा खोल के बाहर से एडजस्ट करना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। तो अगर कोई मेरे से थोड़ी छोटी हाइट वाले पर्सन इस गाड़ी को ले रहे हैं तो उनको डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी देखने को हो सकती है वो वाला शीशा एडजस्ट करने के लिए। अंदर स्टिक भी होती है तो थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है कि आपको एटलीस्ट बाहर हाथ नहीं निकालना पड़ता, बट फिर भी आप आफ्टर मार्केट डेफिनेटली ये सब चीज़ें इंस्टॉल करा सकते हो।
बट ये एक इंक्लूजन होता तो डेफिनेटली एक अच्छी चीज होती। अब आपको मैं यहाँ पे कंट्रोल्स दिखा देता हूँ, तो ये पूरा एरिया भी आपको मैट ब्लैक फिनिश के साथ मिल जाता है। एंड यहाँ देखेंगे आपको चाइल्ड लॉक का बटन मिल जाएगा, लॉक अनलॉक का स्विच एंड चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स। ड्राइवर साइड विंडो आपको ऑटो अप एंड डाउन फंक्शन के साथ मिल जाती है। ड्राइवर सीट की बात करें तो फोर वे एडजस्टेबल मिल जाती है, आप रिक्लाइन एंगल सेट कर सकते हैं, इसको आगे पीछे कर सकते हैं, हाइट वगैरह एडजस्टेबल का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलता। नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक डेड पेडल मिल जाएगा जो कि बहुत अच्छी चीज है, लॉन्ग ड्राइव में थोड़ा सा कंफर्ट हो जाता है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा फ्यूल ओपनिंग का, फ्यूल लिड ओपन करने का लीवर, यहाँ से आप बूट अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना वॉलेट वगैरह रख सकते हैं, फोन तो यहाँ पर नहीं आएगा, या कॉइन्स वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पर आपको ट्रांजिशन कंट्रोल या ESP ऑन ऑफ करने का स्विच एंड यहाँ पर आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप ऑन करने का स्विच। दो सेफ्टी फीचर इंक्रीज कर दिए गए हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल यानी ESP इंक्रीज कर दिया है जो कि हिल्ड होल्ड असिस्ट के साथ आता है। तो कभी आप ऊंचाई पे गाड़ी चढ़ा रहे हैं और आपको लगेगा कि आप क्लच छोड़ेंगे तो गाड़ी पीछे भागेगी, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा असिस्ट मिल जाएगा। तो ये दो इंक्लूजन डेफिनेटली काफ़ी यूजफुल इंक्लूजन है बेस मॉडल के हिसाब से। यहाँ AC वेंट पे देखेंगे तो आपको कार्बन फाइबर फिनिश मिल जाएगा एंड कंप्लीट मैट ब्लैक में ही आपको AC वेंट्स मिलते हैं। यहाँ पर भी वो जो डैशबोर्ड पे सिल्वर पियानो सिल्वर स्ट्रिप कैरी हो रही है उसका थोड़ा सा एलिमेंट आपको राइट हैंड साइड पे भी मिल जाएगा। अब चलते हैं इसके अंदर एंड आपको दिखाते हैं इंटीरियर में आपको क्या कुछ ऑफर करती है। सो अब हम आ गए हैं गाड़ी के इंटीरियर में, डेफिनेटली आपको थोड़ी शांति मिली होगी, बाहर काफ़ी ज़्यादा रोड नॉइज़ वगैरह थी। एंड जो पहले स्विफ्ट के बेस मॉडल में या फिर अर्टिगा के CNG मॉडल में जो मीटर्स आया करते थे ना, कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता था, वो वाला इसमें अब आने लग गया है। पुरानी वाली आप बलेनो में देखते तो बेस मॉडल में आपको स्पीडोमीटर मिलता था, RPM मीटर नहीं मिलता था। एंड MID स्क्रीन साथ में छोटी सी मिल जाती, ऑन करने पे कुछ ऐसा इसका लिटअप होता है, कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। सेंटर में आपको छोटी सी MID स्क्रीन मिल जाती है जिसमें आप अपना रेंज देख सकते हैं, आप एवरेज देख सकते हैं, डिस्टेंस टू MT, ट्रिप ए ट्रिप बी, सारी चीज़ें आपस में देख सकते हैं। टेम्परेचर आपको यहाँ पे दिखा रहा है, इंजन का टाइम दिखा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो मैंने बताया था रेंज वगैरह, वो सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। ये आपका हो गया स्पीडोमीटर, ये वाला हो गया आपका स्पीडोमीटर एंड यहाँ पर हो गया आपका RPM मीटर एंड इंजन की सभी लाइट्स। अब आप एक चीज़ देखेंगे कि आप ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करना चाहते हैं या ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो ये आपको कैसा दिखेगा। तो आप जब ट्रैक्शन कंट्रोल के यहाँ से स्विच को प्रेस करके रखेंगे तो कुछ सेकंड प्रेस करने के बाद ये ऑफ आएगा। देखिए यहाँ पर अब आपको लिटअप हो गया है, ये रहा ऑफ का। ऑफ करने के लिए कुछ सेकंड प्रेस करना होता है, बट आपको दोबारा ऑन करना है तो एक बार प्रेस कर देंगे एंड ये सिग्नल यहाँ से आपका हट जाएगा। देखिए ये हट गया। अब इसी तरीके से ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप भी आपको ऑफ करना है तो आप इसको हल्का सा 3 से 4 सेकंड प्रेस करेंगे एंड आपको ऊपर सिग्नल आ जाएगा ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप ऑफ का। सो इस तरीके से आप यहीं पर देख पा रहे हैं ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप को ऑफ दिखा रहा है ये। तो यहाँ पर आपको उसके कंट्रोल्स, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि यहाँ पर ये लिटअप नहीं हो रहा तो पता कैसे लगेगा, बट इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको MID के कंट्रोल्स को सेट करने के लिए यहाँ पर आपको दो स्टिक्स दिख जाएंगे जिससे आप कंट्रोल कर सकते हो। अब आपको सबसे पहले इसका स्टेयरिंग दिखा देता हूँ। फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है, कोई भी तरह के इसमें कंट्रोल्स आपको नहीं मिलते एंड बिल्कुल प्लेन सा स्टेयरिंग मिलता है जो कि स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल द मॉडल्स। यहाँ पर आपको ये स्ट्रिप मिल जाती है, सर्कुलर स्ट्रिप पियानो सिल्वर की फिनिश की एंड यहाँ पर सेंटर में सुजुकी का लोगो। सो यही स्टेयरिंग अब कैरी हो रहा है लगभग सभी गाड़ियों में, तो उसी तरीके का आपको इसमें स्टेयरिंग मिलता है। कंप्लीट डैशबोर्ड लुक एक बार आप यहाँ से देख सकते हैं। अब बात करूँ यहाँ पर आपको ये पूरा मैट ब्लैक फिनिश में हार्ड प्लास्टिक मिल जाता है, यहाँ से ये पूरा सिल्की सिल्वर फिनिश में स्ट्रिप कंटिन्यू हो रही है जो कि आपके यहाँ इसी वेंट्स के नीचे होती हुई ड्राइवर साइड डोर तक कंटिन्यू हो रही है। अगेन पैसेंजर साइड पे भी आप देखेंगे तो आपको इसी वेंट पे कार्बन फाइबर फिनिश मिल जाएगा, सेंटर में कुछ नहीं मिलेगा, ये कंप्लीट मैट ब्लैक में है। यहीं पर आपको हजार्ड स्विच मिल जाएगा, यहाँ पर आप अपना म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल करा सकते हैं, इन्फोटेनमेंट सिस्टम इंस्टॉल करा सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। फ्लोटिंग स्टाइल में आपको यहाँ पे प्लेसमेंट मिल जाती है एंड ये पूरा फ्रेम मैट ब्लैक फिनिश में है बिकॉज ये बेस मॉडल है तो इसमें आपको कोई भी इन्फोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता। उसके बाद ऊपर देखेंगे तो आपको डे नाइट एडजस्टेबल मैनुअली एडजस्टेबल IRVM मिल जाता है जो कि एक बहुत अच्छा इंक्लूजन है इस मॉडल में। यहाँ पर भी आपको पैसेंजर साइड पे कोई भी वैनिटी मिरर वगैरह नहीं मिलता एंड ड्राइवर साइड पे तो ऑब्वियसली नहीं मिलता, टिकट होल्डर भी नहीं मिलता। इसके अलावा आपको ग्लव बॉक्स दिखाऊं तो ग्लव बॉक्स डिसेंट साइज का है, ना ही एयर कूल्ड होता है ना ही इसके अंदर लाइट है। यहीं से आप देख सकते हैं पैसेंजर साइड डोर किस तरीके का दिखता है। बात करूं इसकी फ्रंट सीट्स की तो कुशनिंग बहुत अच्छी है, कॉर्नर पे आपको बहुत अच्छी बोल्स्टर मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छी ग्रिप मिल जाती है एंड फ्रंट सीट्स की कभी भी शिकायत नहीं रही है। कम्प्लीटली फैब्रिक में सीट्स हैं, आप टेक्स्चर देख सकते हैं सीट पे किस तरीके का आपको मिलता है फैब्रिक में।
नीचे आएंगे तो आपको बहुत अच्छा इंक्लूजन बेस मॉडल्स है, जो कि इसमें ऑटोमेटिक एसी मिल जाता है रियर डिफॉगर के साथ में। और इसको जो कंट्रोल्स हैं, ये बहुत ही एर्गोनॉमिक कंट्रोल्स है, ड्राइव करते हुए आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे। जहां टच सिस्टम होता है थोड़ा सा आपको नजर हटानी पड़ती है रोड से देखने के लिए कंट्रोल्स को, बट यहाँ पर ये जो टॉगल स्विचेस हैं ये काफ़ी हैंडी हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हो ड्राइव करते हुए बिना नज़र हटाए। एंड यहाँ पर आपको उसके सारे कंट्रोल मिल जाते हैं। ये कंप्लीट पैनल का बैकग्राउंड पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर है, एंड ये जो स्विचेस वगैरह है ये पियानो सिल्वर फिनिश के अंदर है, जो कि डैशबोर्ड के कंट्रास्ट से मैच करते हैं। अब डैशबोर्ड में आप ये पोर्शन देखोगे तो ये कंप्लीट आपको नेवी ब्लू के अंदर मिल जाएगा, जो कि इसकी कंप्लीट इंटीरियर थीम है ब्लैक एंड नेवी ब्लू की। साथ ही साथ रूफ एंड अपर पिलर्स आपको बीच कलर में मिल जाते हैं, सो एक तरीके से ट्राई कलर थीम मेंटेन हो जाती है इंटीरियर में। ये सारा लेकिन सॉफ्ट टच नहीं है अनलाइक डोर्स, ये सारा मैट ब्लैक प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक है, यही वाला मटेरियल यहाँ पे कैरी ओवर हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाएगा, एंड इस तरफ आपको कोई, बिकॉज उसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं है तो यूएसबी या ऑक्स पोर्ट आपको नहीं मिलता। यहाँ पे आप अपने फ़ोन वगैरह रख सकते हैं, यहाँ पर आप दो ग्लास होल्डर्स रख सकते हैं, एंड कुछ इस तरीके की आपको बिल्कुल सिंपल सी गियर नॉब मिल जाती है, कोई पियानो ब्लैक फिनिश या सिल्वर फिनिश इसमें आपको नहीं मिलता। हाँ, लेदर रैप ज़रूर मिल जाता है यहाँ पर, लेदर का फैब्रिक ज़रूर मिल जाता है यहाँ पर, वो तो आजकल सभी गाड़ियों में आता है। यहाँ पे भी आप अपना छोटा मोटा सामान रख सकते हैं, कॉइन्स रख सकते हैं या कुछ भी चीज़, छोटी मोटी कीज वगैरह रख सकते हैं अपने घर की। एंड यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, जहाँ की ऊपर के मॉडल में आर्मरेस्ट आपको मिलता है, तो इसमें आर्मरेस्ट वगैरह नहीं आता। यहाँ पे आप कैप कॉइन्स वगैरह रख सकते हैं, यहाँ भी आप कुछ चीज़ें अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो ऐसा है इसका कुछ कंप्लीट इंटीरियर। अब मैं आपको इसका इंजन भी दिखा देता हूँ और एक बार गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। इंजन रिफाइनमेंट मारुति में हमेशा से बहुत अच्छा रहा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। एक बार ये ड्राइवर साइड विंडो ओपन कर देते हैं, कहीं गाड़ी लॉक ना हो जाए। सो अब आप देख रहे हैं इसका इंजन बे, तो यहाँ पर आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाती है। वैसे तो मारुति की इंजन्स को इसकी ज़रूरत नहीं होती, बट फिर भी इंसुलेशन दी गई है ताकि केबिन के अंदर आपकी नॉइस वगैरह ना आए, इंसुलेशन बेटर रहे। एंड कंप्लीट इंजन बे आपको कुछ ऐसा मिल जाता है, थोड़ा सा पहले के अभी 2022 तक जो मॉडल आ रहे थे आपको इंजन काफ़ी ओपन दिखता था, तो यहाँ पे तो BS6 के सेकंड फ्लेस के कंप्लायंस के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें गाड़ी में चेंज की गई हैं, और इसमें अभी अपडेट आ चुका है तो आप देख पाएंगे थोड़ा सा इंजन का लेआउट थोड़ा सा चेंज हो गया है, ऊपर यहाँ कवर जैसा आ गया है। एंड नीचे की बात करूँ तो नीचे भी आपको इसमें इंजन कवर मिल जाता है, नीचे से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से आप अगर देखेंगे तो आपको प्रॉपर एक इंजन कवर मिल जाता है, एंड जो कि एक अच्छी चीज़ है। और प्लास्टिक में है, मेटल में है, ये चीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी कंप्लीट इंजन भी आप देख सकते हैं, इसमें आपको मिल जाता है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, जो कि CNG के साथ भी ऑफर होता है। पावर फिगर्स की बात करूँ तो इसमें आपको लगभग 89.7 BHP की पावर मिल जाती है, एंड मिल जाता है 113 Nm का टॉर्क, राइट। CNG की बात करें तो ये पावर फिगर्स थोड़ी कम हो जाती हैं, लगभग 73-74 PS पावर देती है CNG के साथ में। एंड माइलेज की बात करें तो पेट्रोल में ये आपको ऑफर करती है 22.35 की किलोमीटर पर लीटर की माइलेज, एंड आपको CNG में कंपनी क्लेम करती है 30.61 पर KG की माइलेज। सो ये कुछ थे इसके माइलेज फिगर्स। प्राइजेस की बात करें तो प्राइजेस शुरू हो जाते हैं 6,56,000 से, जो कि इसका सिग्मा मॉडल का एक्स शोरूम प्राइजेस है, एंड टॉप मॉडल जाता है 9,83,000 तक। ये मॉडल हमें दिल्ली में ऑन रोड पड़ा है लगभग 7.5 लाख का, सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बाकी मॉडल्स के प्राइजेस को। CNG की बात करें तो डेल्टा एंड जेटा मॉडल में आपको CNG मिल जाती है इसमें, एंड वो दोनों मॉडल्स का प्राइजेस की बात करें तो बेस मॉडल के जो प्राइजेस हैं, यानी कि जो डेल्टा एंड जेटा के एक्स शोरूम प्राइजेस हैं, उस पर 95,000 एक्स्ट्रा हो जाता है। अब ये जो दो इंक्लूजन हुए हैं 2023 में, इसके लगभग 11,000 रुपये बढ़े हैं इस बलिनो के, एंड उसमें आपको दो इंक्लूजन मिले हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम प्लस हिल होल्ड असिस्ट आपको इसमें ऐड ऑन हुआ है। ओवरऑल सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो आपको इसमें मिल जाता है ABS विद EBD, सीट बेल्ट, प्रिटेंशनर्स विद लोड लिमिटर्स, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स, फ्रंट टू एयरबैग्स एंड ब्रेक असिस्ट। इसके अलावा फ्रंट में डिस्क ब्रेक, पीछे ड्रम ब्रेक एंड 4 पार्किंग सेंसर्स। सो ये सभी इसमें आपको सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में मैंने आपके गाड़ी से रिलेटेड 2023 मॉडल के सभी जो अपडेट्स के साथ में जो चीज़ें हैं वो सभी आपको बता दी हैं। वीडियो कैसी लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ़।